ये एलएलबी फर्स्ट सेमिस्टर में पेपर फिफ्थ में आपको सीपीसी ने रेस जुडिकेटा के बारे में हमने पूरा डिटेल बताया पिछले सेशन में, कई सेशनों में रेस जुडिकेटा के बारे में बताया गया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अतिरिक्त बाद का वर्जन एवं विदेशी निर्णय। ये सेक्शन कवर करता है सेक्शन 12 से 14 का, ठीक ना। सेक्शन 14 क्या है कि किसी विशिष्ट बात हेतु के संदर्भ में अतिरिक्त बात संसद करने के लिए नियमों द्वारा रोका गया है, ठीक ना। ये चीज है कि अतिरिक्त बात का वर्जन होता है, जैसे किसी काज ऑफ एक्शन पर अगर शूट जो है वो आधे में किया जाता है, कंप्लीट नहीं है, तो वो जो है शूट जो है रोक दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि बादी के द्वारा वो शूट जो है जानबूझ के छोड़ दिया गया है, वो काज ऑफ एक्शन अराइज होने पर वो अतिरिक्त बात जो है के लिए वो रोक दिया जाएगा। इसके संदर्भ में अतिरिक्त बात वर्जित है उसके संदर्भ में ऑर्डर में कुछ उनका उल्लेख है, वो ऑर्डर्स कौन से हैं हम आपको बताते हैं। नंबर ए ऑर्डर टू रूल टू, ठीक है ना। दूसरा है ऑर्डर नाइन, ऑर्डर नाइन रूल आपका है नाइन, ठीक। तीसरा क्या है ऑर्डर, ऑर्डर है 22 और रूल है 9 और चौथा है ऑर्डर, ऑर्डर 23 रूल 1, ठीक है। ये ऑर्डर है, इसके अंतर्गत यह है नियम बनाए गए हैं कि अतिरिक्त वाद का वर्जन किया जाएगा, ठीक है ना। अतिरिक्त वाद जो है किया जाएगा। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं नंबर 1 का, ठीक है ना। ऑर्डर 2 रूल 2 और 1 में क्या है, ठीक है ना। जैसे का, खा और गा ये लोग संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। ये क्या है, का, खा और गा ये जो हैं संयुक्त परिवार के सदस्य, ठीक है ना। और संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी जो है एक्स एंड वाई, ठीक है। ये संयुक्त परिवार की जो प्रॉपर्टी है संपत्ति क्या है, एक्स है वाई है। और का जो है खा और गा के विरुद्ध बंटवारा का बाद दाखिल करते हैं, ठीक ना, करते हैं। का जो है खा और गा के विरुद्ध जो है संपत्ति के बंटवारे का बाद दाखिल करते हैं, किसके, यक्ष, यक्ष संपत्ति के बंटवारे का बाद जो है वो दाखिल करते हैं। इसके पश्चात जो है का फिर एक सूट ये हुआ, दूसरा सूट ये काफी दाखिल करता है क्या, खा और गा के विरुद्ध वाई संपत्ति के बंटवारे के लिए, ठीक है ना। संयुक्त जो बंटवारा हो रहा है, संयुक्त जो प्रॉपर्टी है एक्स और वाई दोनों, और इसमें का ने प्रथम बाद में केवल एक्स संपत्ति के संदर्भ में बंटवारे का मुकदमा दाखिल किया है, खा और गा के विरुद्ध, ठीक है ना। और का ने फिर दूसरा मुकदमा
वाई संपत्ति के बंटवारे के लिए दाखिल करना चाहता है। तो ये नियम जो है आपका ये दूसरा बात वर्जित हो जाएगा, ठीक ना। अरे भाई कोर्ट में आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, कहा जा एक्शन दोनों में राइज हो रहा है, दोनों प्रॉपर्टी आपकी संयुक्त प्रॉपर्टी है, उसको आप एक ही मुकदमे में एक्स एंड वाई दोनों एक ही साथ आपको दाखिल करना चाहिए था। एक्स वाई जो संयुक्त प्रॉपर्टी है का खा गा की, इसके संयुक्त जो है बंटवारे के लिए जो है ये एक ही सूट में इनको समाहित करना चाहिए था। ये नहीं है कि जितनी संपत्ति अलग अलग है उसके लिए उतने अलग अलग सूट दाखिल करें, ऐसा नहीं। इसलिए ये जो दूसरा बात है ये वर्जित हो जाएगा, क्योंकि बाद में एक्स एंड वाई संपत्ति के बंटवारे का सूट दाखिल किया जा सकता था, ठीक ना। और बाजी को इसको शामिल कर लेना चाहिए। कोर्ट का जो समय होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, उसमें प्रॉपर तैयारी के और प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ आपको सूट दाखिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है जब इच्छा का है जितने क्वेश्चन में चाह दाखिल कर दिया, उसके बाद जब चाह दूसरे क्वेश्चन दाखिल कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको आपको जो है एक सिस्टम तौर पर करना है, जैसे ताजा एक्शन अगर अराइज है तो वो आप सूट जो है दाखिल करें और प्रॉपर में करें तभी लेगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि जब आप इच्छा हो तभी आप सूट दाखिल कर दें, ठीक ना। तो ये आपका ये हुआ ऑर्डर टू रूल टू और वन में ये चीज, ठीक कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक ना। और दूसरा इसमें दूसरा देखिए आप ऑर्डर टू रूल टू में थ्री में आप जा देखिए क्या होता है। ऑर्डर टू रूल टू थ्री, ठीक ना। इसमें यह है कि एक ही बात हेतु के बारे में एक से अधिक अंतोष पाने का हकदार व्यक्ति है तो सभी अंतोषों को या उनमें से किसी एक के लिए बात ला सकेगा, उन सभी अंतोषों को इकट्ठा करके ला सकेगा या उनमें से एक अंतोष को संदर्भ में बात ला सकेगा, लेकिन बाद में जो अंतोष उसके द्वारा छोड़ दिए गए हैं तो बिना न्यायालय की इजाजत के दूसरा बाद उस अंतोष को पाने के लिए नहीं दाखिल किया जा सकता है। उदाहरण तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे क्या मामला है, जैसे का जो है एक मकान जो है, ठीक है, खा को 2000 रुपए किराए पर देता है, ठीक है। का जो है खा को 2000 रुपए पर वार्षिक किराए पर देता है, ठीक ना। तो 2001 2002 और 2003, ठीक ना, 2001 2002 2003 सबका किराया इकट्ठा है, सबका किराया का भुगतान खाने नहीं किया है, 2001 का भी बकाया है, 2002 का ही बकाया है, 2003 का भी बकाया है, तो इस तरह से कितना हुआ ये 6000, ठीक है ना, 6000 रुपया किराया बाकी है खाकू का को देना, ठीक है ना। लेकिन का खा के विरुद्ध जो है केवल 2003 के लिए 2000 रुपए रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है, 2000 किराए के लिए ही सूट फाइल करता है, ठीक है ना। तो बाद में का जो है 2001 और 2002 में जो दे आपका किराया है उसके लिए अलग से बात नहीं दाखिल कर सकता है, क्योंकि ताजा एक्शन इसमें भी राइज है, इसमें भी राइज है, इसमें भी राइज है, ये भी अंतोष है, ये भी अंतोष, ये भी अंतोष है, इन सारे अंतोषों को इकट्ठा करके सूट फाइल करना चाहिए था का के लिए, लेकिन का ने अगर सूट नहीं फाइल किया है इन सारे अंतोषों को जोड़ करके,
जो अंकोष में दाखिल किया गया है तो बाद में इन अंकोषों के लिए वो नया वाद नहीं दाखिल कर सकता। ठीक ना, कॉन्सेप्ट क्लियर ये है। तो इस तरह से जो है आपका ऑर्डर 2 रूल 2 1 एंड ऑर्डर 2 रूल 2 एंड 3 का आपका यह है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब बात यह आती है कि आदेश 9 और रूल 9। ठीक ना, जहां कोई मुकदमा विचाराधीन है और पुकार पर वादी जो है अनुपस्थित रहता है और प्रवादी उपस्थित रहता है तभी ऑर्डर 9 और रूल 9 के तहत जो है मुकदमा खारिज हो जाता है। ठीक ना, ये मुकदमा अगर खारिज हो गया वादी के अनुपस्थिति में तो उसी बात हेतु पर जो है नया बात वादी नहीं ला सकता। ठीक ना, अगर कोई मुकदमा ऑर्डर 9 रूल 9 के तहत वादी के अनुपस्थिति में खारिज हो गया है तो वादी कोई नया मुकदमा उसी बात हेतु को लेकर के बात कारण के आधार पर नया वाद नहीं दाखिल कर सकता है। ठीक ना, और ये है। ठीक, अब दूसरा है आपका ऑर्डर 22 और रूल 9। ऑर्डर 22 रूल 9 मतलब यह है कि जिसमें एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और उसके विधिक वारिसों को जो है पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाता है और वो समय सीमा जो है वो समाप्त हो जाती है तो उपशमित हो जाएगा। ठीक ना, उसके संदर्भ में बात जो है उपशमित हो जाएगा तो इसके बाद हेतु के लिए कोई दूसरा मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता ऑर्डर 22 रूल 9 के तहत। अगर किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाएगी है तो पुनर्स्थापन जो है नहीं किया गया है तो उसके लिए जो है बाद माना जाएगा। ठीक ना, और दूसरा बात जो है दाखिल नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, हाँ। और अभिलेख पर उसके विधिक उत्तराधिकारी को नहीं लाया गया है तो वो तो ये जो है बात जो है उसके अंगेज जो है उपशमित हो जाएगी। ठीक, अब बात आती है ऑर्डर 23 रूल 1 की, बाद को वापस लेने से नया बात वर्जित। यह है आदेश नियम 3 का बात संस्कृत करने के पश्चात किसी भी समय बादी, और देखिए इसमें ऑर्डर 20 और रूल में है कि बादी किसी भी समय प्रतिवादियों सारे प्रतिवादियों के खिलाफ जो मुकदमा उसने दाखिल किया है बाद वापस ले सकता है या उनमें से किसी के जो है पक्ष में बात वापस ले सकता है। ठीक ना, जिस पक्ष में और न्यायालय के जो है अनुमति के आधार पर अगर बात वापस लिया जाता है उसी का नाम अक्षर बाद हेतु पर नया वाद नहीं दाखिल किया जाएगा। ठीक ना, अगर वापस ले लेता है रूल 1 के तहत वादी जो है मुकदमा अपना वापस ले लेता है प्रतिवादियों के कुछ प्रतिवादियों के विरुद्ध वापस ले लेता है। ठीक है, ये चीज जो है उन्हीं बात हेतु पर नया दाखिल नहीं किया जाता। अब बात आती है आपका सेक्शन 39-14। ठीक, सेक्शन 39-14 क्या कहता है, सेक्शन 13 एंड 14 सीपीसी का क्या कहता है, यह है कि विदेशी निर्णय क्या कहते हैं। ठीक ना, 13 और 14 विदेशी निर्णय हम आपको पहले ही बता दिए हैं उसमें कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा में सेक्शन 2(6) में हमने विदेशी न्यायालय के संदर्भ में परिभाषित किया है। विदेशी न्यायालय से क्या तात्पर्य है, विदेशी न्यायालय से तात्पर्य यह है कि जो न्यायालय भारत के क्षेत्राधिकार में नहीं है, भारतीय न्यायालयों का नहीं है। ठीक है ना, ना वो भारत के द्वारा स्थापित किया गया हो ना वो किसी द्वारा किया गया हो, अन्य के द्वारा जो है स्थापित निर्णय
और न्यायालय जो है वो विदेशी न्यायालय है जो भारत सीमा के बाहर है, जिसका संचालन भारत कर रहा है, कोई और कर रहा है, भारत के अलावा कोई और कर रहा है, उसको विदेशी न्यायालय कहते हैं। और इस न्यायालय में जो निर्णय होता है उसको हम विदेशी निर्णय कहते हैं, ठीक ना। तो यह है, ठीक है ना। अब बात आती है विदेशी निर्णय और आपका रेजुडिकेटा और अतिरिक्तवाद का वर्जन, ठीक है ना। ये सेक्शन आपका 11, 12 और सभी प्रकार के विदेशी निर्णयों पर लागू होते हैं। ये आपका सेक्शन 11 और 12, ये विदेशी निर्णय पर लागू होते हैं, ठीक है ना। विदेशी निर्णय पर लागू होते हैं। उदाहरण तौर पर देखिए, जैसे का के विरुद्ध विदेशी न्यायालय में बात संसद करता है और बात खारिज कर दिया जाता है, तो यह निर्णय का के द्वारा खा के विरुद्ध उसी बात हेतु पर बात भारत में बात संसद करने से रोक देगा, ठीक ना। जैसे का जो है खा के विरुद्ध जो है विदेशी न्यायालय में किसी बात हेतु को लेकर के बात दाखिल करता है और न्यायालय के द्वारा बात खारिज कर दिया जाता है, ठीक ना। खारिज कर दिया गया तो का जो है भारत में आकर के भारतीय न्यायालय में उस मुकदमे को फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसमें रेजुडिकेटा आपका लागू होगा, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, का खा के विरुद्ध जो है विदेशी न्यायालय में बात संसद करता है और बाद में डिक्री पारित कर दी जाती है और तत्पश्चात का उस निर्णय के विरुद्ध भारत के न्यायालय में बात संसद करता है और रखा उन विवादों और विषयों को उठाने से अपवर्जित है, ठीक है ना, जो प्रतिष्ठा और सारता विदेशी न्यायालय के समक्ष थे और उस न्यायालय के द्वारा निर्णित हो गए। इसका मतलब है रेजुडिकेटा जो है आपका विदेशी निर्णयों पर लागू है, सेक्शन 11 लागू है और सेक्शन 12 भी लागू है, ठीक ना। ये अब बात आती है आपका कि विदेशी न्यायालय कब निश्चय नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कौन से विदेशी निर्णय मान्य नहीं होंगे, जिससे ये प्रोविजन नहीं लागू होंगी। वो विदेशी निर्णय क्या है, उनका क्या उनका नेचर है, उनका क्या वो है, ठीक है ना। इसी सेक्शन 13 के अंतर्गत है, ठीक है ना। जब निश्चायक होगा, जब समक्ष अधिकारता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है, जब जो भी कोर्ट ने उसको सुनवाई किया है विदेशी न्यायालय जो है वो सक्षम न्यायालय नहीं था, और ऐसे न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय है तो वो निर्णय निश्चायक नहीं होगा, निर्णय निश्चायक नहीं होगा। यदि कोर्ट सक्षम नहीं है, अगर विदेशी न्यायालय जो है किसी मामले को सुनने के हेयरिंग करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसका निर्णय निश्चायक नहीं, ठीक है ना। दूसरा, वह मामले के गुणागुण के आधार पर नहीं दिया गया है। नंबर बात का जो निस्तारण जो है वो गुणागुण के आधार पर नहीं किया है, मेरिट के आधार पर नहीं डिसाइड किया गया है, तब भी जो है वो निश्चायक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विरुद्ध है, अंतरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध कोई निर्णय है तो वो भी जो है मान्य नहीं होगा। वो कार्रवाइयां जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है,
मतलब उसमें विपक्ष को सुना ही नहीं गया है और एक तरफा निर्णय पारित कर दिया गया है, विपक्ष की कोई सुनवाई ही नहीं, सुनने का अवसर ही नहीं दिया गया है। नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कोई निर्णय है अगर विदेशी निर्णय है तो वो निश्चायक नहीं है या वो कपट के द्वारा प्राप्त किया गया है। कपट या दुरक्षण नीति के द्वारा जो है वो प्राप्त किया गया है तो भी निर्णय जो है वो निश्चायक नहीं होगा। ठीक है, उस पर आपका सेक्शन 11 और 12 लागू नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया सेक्शन 30। ठीक है ना।